अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुर्जा ब्लॉग्स। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक दाल फ्राई। तो एक दाल फ्राई के लिए हमें सबसे पहले 150 ग्राम चने की दाल ली है, ये 50 ग्राम मूंग की दाल ली है और ये 50 ग्राम लाल मसूर की दाल ली है। इन सबको हम बॉईल करेंगे। अब इन सब दाल को मैं कुकर में ऐड करूँगी बॉईल करने के लिए। में पानी डाल रही हूँ। पानी हमें थोड़ा ज्यादा ही लेना है क्योंकि दाल हमें लिक्विड फॉर्म में रखना है। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं और ये आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी ताकि जो हल्दी और नमक है वो अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और इसे 4 से 5 सीटी के लिए हम हाई फ्लेम पे 3 सीटी करवाएंगे। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे ताकि हमारा दाल का जो पानी है वो पूरी तरीके से सूख ना जाए। हमें दाल को लिक्विड फॉर्म में रखना है, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा। हमारी गल रही है तो हम अंडे की तैयारी कर लेते हैं। ये 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज चॉप कर लिया है और ये 2 हरी मिर्च है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अंडे में इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने 3 अंडे ऐड किए थे, ये 2 और ऐड कर रही हूँ। टोटल मैं 5 अंडे ऐड कर रही हूँ इसमें। ये 1/4 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट टू टेस्ट और इसे अच्छे से मैं फैट लूंगी। ये 5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से फेट लिया है, ये बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड किया है, अब मैं इसमें अंडे जो है वो इसमें डाल रही हूँ। कच्चा रह जाएगा। अब मैं इसको 4 पीसेस में कट कर लूंगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको भी फ्राई करने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दाल हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। इसे अभी हम गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि दाल हमारा जो है वो थोड़ा निकली हुई दाल हमें चाहिए वो बिल्कुल हो चुका है। ये देख सकते हैं हमें लिक्विड करना है तो ये पानी मैंने बॉइल करके लिया हुआ है, इसको इसमें मैं डाल रही हूँ। ठंडा पानी हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। जब भी हमें यूज़ करना हो खाने में तो हमें गर्म पानी करके ही डालना चाहिए। इसमें ये प्याज छोटी बारीक काट ली है मैंने और ये दो तेज पत्ते हैं, इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम इसमें इसमें भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है, हाई पे कभी ना रखें। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर ले रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और ये आधी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/4 चम्मच में पेपरिका रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ।
अभी मैं थोड़ा ही सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं और ऐड करूँगी अगर मुझे कम लगा तो। और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे 5 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए आप भूने, बहुत है इतना। अगर तेल हमारा इसमें से बाहर आ जाए तो हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा। और ये थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ये देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल बॉईल किया है उसको अच्छे से मैंने धुल के वो भी पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा पानी मैंने कुछ ऐड नहीं किया, कुकर धुल के ही मैंने ऐड किया है। ये मैं ऊपर से और पेपरिका पाउडर थोड़ा ऐड कर रही हूँ ताकि देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे हमारा जो दाल है, और इसका कलर भी अच्छा आता है। ये दाल हमारा अच्छे से बन चुका है, अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। ये अंडा जो मैं फ्राई किया था यही मैं ऐड कर रही हूँ। सारे अंडे को मैंने इसमें ऐड कर दिया है दाल में। अब इसको अच्छे से 20 से हम चला लेंगे। अब मैं ऊपर से ये गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, आधी चम्मच ये गरम मसाले हैं, ये 1/4 चम्मच में सिरप आया, ये 1/4 चम्मच मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और ये 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दो मिनट के लिए मैं इसे पका लूंगी, उसके बाद मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। हम तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटे साइज का प्याज चॉप कर लिया है, और ये 2 छोटी लाल मिर्च ली है, और 2 चम्मच असली घी लिया है मैंने, देसी घी। छौका लगाएंगे, देख सकते हैं आप हमारा एग दाल फ्राई एकदम रेडी हो चुका है। तो अब इसको मैं दूसरे बाउल में सिप करके लिख सकते हैं। एग दाल फ्राई बनके एकदम रेडी हो चुका है, देखने में काफी टेस्टी और यमी लग रहा है। अगर मेरा ये रेसिपी आप सबको अच्छा लगा हो तो अपने घरों में जरूर एक बार ट्राई करें, और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।